तो बस अभी खाना बन गया है, पुलाव बन चुका है। तो बस अभी थोड़ी देर के लिए उसे रख दिया है और बस अभी खाना वगैरह खाएंगे। मैं उठाने आई थी कपड़े, क्योंकि मौसम ना इतना ख़राब हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा। आज सुबह से जो है ना बिल्कुल फीकी धूप थी और अभी धूप गायब है बिल्कुल ही, तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है। तो बस अभी कपड़े उठा लिए हैं मैंने और यहाँ पे सानियाँ लगा रही हैं, पेड़ सानियाँ लगा रही हैं, टमाटर का पेड़। सानियाँ अपने घर पे भी लगाती हैं ना, और कुछ नहीं, और किसी चीज़ में लगा लो इसमें। वो पटले में लगा रहे हैं, पटले है, उसे उल्टा कर दिया। वो आ गई थी, बेस्ट है, उसमें बैठ बैठता है नहीं, यूज होता नहीं, तो फिर तो सानिया पेड़ लगाएंगी। आलिया मिट्टी लेने गई है, बस इतना है, इतनी मिट्टी बहुत है आलिया, इतनी सारी मिट्टी। तो देखो आलिया मिट्टी लेकर आ रही है। तो चलो कपड़े लेके चलते हैं नीचे, और आप कपड़े वगैरह भी निकाल के रखते हैं बच्चों के शाम के लिए। बाजी भी तैयारी कर रही है, प्रेस वगैरह कर रही है। वो आज का दिन ना बहुत ज़्यादा अच्छा गया है बाजी के साथ पूरा दिन, मतलब अभी नाश्ते वगैरह के बाद यहाँ छत पे ही थे हम लोग, काफ़ी सारी बातें की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये कैसा लग रहा है ऐसे कि बूंदे वगैरह पड़ी हो मिट्टी पे? ऐसा ना हो अल्लाह पाक, अच्छे से फ्रेंड की बर्थडे पार्टी हो जाए आज और मौसम सही रहे। क्योंकि जब कुछ होता है ना घर में प्रोग्राम, तो मौसम अगर खराब हो जाता तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। थैंक यू। ये रही मिट्टी, और अब हम उगाएंगे पेड़ टमाटर का। बस अभी हो गया है शाम का टाइम, 5 बज गए हैं, और मौसम ऐसा लग रहा है जैसे कि 6-7 बज रहे हो, क्योंकि बहुत ठंडा मौसम है आज। और बस यहाँ पे मैंने चेहरे पे लगाया है अपने पिलो मास्क, और बस सारे अभी मुंह धोकर रेडी है। तो बस अभी तैयारी करना हमने स्टार्ट कर दी, क्योंकि तैयार होने में टाइम लग जाता है। तो अभी बच्चों को रेडी करती हूँ, ये मेरा पिलो मास्क, क्योंकि मैंने अभी इस तक किया। वैसे मेरा मन था कि मैं फेशियल करा लूँ, लेकिन टाइम नहीं मिला। रोज सोचती आज जाऊंगी, आज जाऊंगी, आज जाऊंगी, ऐसे ही दिन निकल गए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, थ्रेडिंग भी मैंने घर ही सेट की है, और थोड़ी सी चेहरे की भी घर पे ही कर रही हूँ। तो बस अभी स्क्रब तो कर लिया है मैंने, पिलो मास्क लगा लिया है, अब चलते हैं बच्चों को रेडी करते हैं। कपड़े मैंने निकाल लिए हैं, पहले मैंने और कुछ सोचा था और अब मैं और कुछ पहन कर जा रही हूँ। तो वैसा मेरा था कि इनको जींस पहना दूं, ऊपर से ब्लेजर पहना दूं, क्योंकि बच्चों के ऐसे कपड़े, लेकिन ये है, ये कह रही नहीं हम तो गाउन पहनेंगे, तो अब इनको फ्रॉक वगैरह ही पहनाते हैं, लेकिन उसके ऊपर ब्लेजर ही पहनाना पड़ेगा, तो फायदा ही क्या है। तो चलो करते हैं रेडी। तो जी अभी बज गए हैं 7:30 और हम सब हो चुके हैं रेडी। ये देखो हाय, मैंने जी मैं पी लिया।
तो ये हम कल मेले गए थे तो वहां से इसने ली थी, तो मैंने जो है ना इसने थोड़ी सी पी थी, मैंने छुपा कर रख दी थी और इसको ना अब मिल गई। तो कह रही तुमने छुपा के रख दी थी। किसने छुपा के रखी थी? पापा ने। क्या कह रहे थे? देख लेगी। मैंने देख लिया तो। है, देख लिया? कैसे देखा? पहले कैट खोला, फिर ऐसे देख लिया, फिर छुड़ाने पी लिया एक चीज़। है, पी लिया। आज कहाँ जा रही हो ना? हम फ्रेंड के बर्थडे में। फ्रेंड के बर्थडे में जा रही हो? हाँ। फ्रेंड को कैसे किस करोगी? हैप्पी बर्थडे फ्रेंड। फ्रेंड कैसी लगती है? अट्टी। तो घुस के क्यों बोल रही हो? घुस के क्यों बोल रही हो? तो बस अभी हम सब रेडी हैं, यहाँ पे आलिया और इनाया हमेशा की तरह सेम टू सेम। कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। ये हम दोनों सेम टू सेम, ब्लू 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 ब्लू, ये दोनों एक जैसी और हम ये हैं। तो आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। ये मेरी गाउन है, ये जो कि मैंने सिलवाई थी अमेजोन से, मैंने कपड़ा लिया था ये वाला। ये देखो आगे ना ये कढ़ाई हो रही है। मैंने रैन के लिए इतनी अच्छी वीडियो, जो कुछ कुछ ना हम लोग मिल रहे हैं ना। मैंने इतनी अच्छी वीडियो नहीं बनाई ना, यहाँ नहीं बनाई है। मैंने इतनी अच्छी वीडियो नहीं दीपक कौन तो चलो अब बस चलने लगे हैं, क्योंकि अभी जो है ना ये रेडी होने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। मतलब हम लगाए तो लगाए, बड़े पापा जरूर टाइम लगा रहे हैं। ये देखो होरेन, हमने लेट नहीं किया है, बड़े पापा ने लेट किया है। ये बहुत टाइम लगा रहे हैं तैयार होने में। तो लास्ट में ही बचाऊं तो तो इतना टाइम लगा के। कंपनी का फोन नहीं है ये, कह रहे कंपनी का फोन है किसी और का। हेलो, अब बस अभी आ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो गुलाबसा का कॉल था, गुलाबसा बोल रही थी हम रेडी हो गए हैं, हमें ले जाओ। तो बस इनका हम इंतजार कर रहे हैं। बाजी दुला भाई भी रेडी है, सानिया रेडी है, सब रेडी है, क्योंकि गाड़ी तो इनको ही चलानी है। और इन्होंने पहनाई है ब्लैक ब्लैक लिपस्टिक। कपड़े डिसाइड करने में टाइम लगा दिया इन्होंने कि ये टी शर्ट पहनूं, ये टी शर्ट पहनूं। चार पांच टी शर्ट ट्राई करने के बाद ये टी शर्ट पसंद आई है इनको कि ये पहन। सलमान खान के फैन है तो सलमान खान की टी शर्ट, बिग वुमन की टी शर्ट है तो ये पसंद आई इनको। लास्ट में मैंने व्हाइट निकाली थी, मैरून निकाली थी, ब्लैक भी निकाली थी। खैर ब्लैक तो सही नहीं लग रही थी, लेकिन और निकाली थी वो ठीक लग रही, लेकिन नहीं आई पसंद इनको। ठीक है, क्योंकि इनकी अलग ही चॉइस है। और ये हमारी आलिया जो कि अपनी कलरफुल चोटी लगाकर घूम रही है। देखो हमारी आलिया की कलरफुल चोटी कैसी लग रही है। अच्छी, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अपने बाल पे कलर करवा रही है और मेरे बाल बड़े हो गए। वैसे भी आलिया को इतनी बड़ी चोटी चाहिए ना, हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये मैंने इस तरीके से सेट की है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे सेट करूं, क्योंकि रबड़ लगा दी थी ना तो ये उल्टा हो रहा था। तो मुझे जहाँ तक करना है, जहाँ तक इतने तक हो जाए, तो फिर बड़ी मुश्किल से इस तरीके से मैंने सेट की है। तो देखो अच्छी लग रही है। ब्लैक बालों पे रेनबो कलर है, रेनबो कलर बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, इसको यूनिकॉर्न कलर, यूनिकॉर्न की चोटी है वो। सानिया हमारी थक गई बेचारी इंतजार कर करके, मामू रेडी नहीं हो रहे हैं तो बेचारी लेट गई है वो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
अभी हम हो चुके हैं सब रेडी और ये भी हो गए हैं, तो अब हम चल रहे हैं फ्रेंड की बर्थडे पार्टी। चले चलिए आप चलो चलो हम लोग घर से निकल आए हैं, बच्चों को और बाजी दूल्हा भाई को बुलबुल के घर छोड़ दिया है और अब हम जा रहे हैं हमारी मुमानी और गुलाब सासरा को लेने के लिए। अभी जो है ना प्रोग्राम में भी टाइम है, तो मुझे थोड़ा सा मार्केट जाना था हार वगैरह लाने के लिए हुरैन के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ और हार वगैरह जो उनको ले लेंगे यहाँ से और फिर वहाँ से हार लेके फिर जाएंगे बुलबुल के घर, तो भी चलते। तो अभी ये लोग भी आ गए हैं, गुलफ्सा है, हमारी मुवानी है, अक्सरा है, अभी अंधेरा हो रहा है लाइट में दिखाएंगे। गुलफ्सा पीछे से निकल के दिखा दे रही है कि मैं हूँ। तो बस अभी चल रहे हैं बुलबुल के घर, लेकिन उससे पहले जाएंगे मार्केट केक लेने। केक लेने तो भैया जाएंगे, अभी केक नहीं आया है, अभी केक लेने जाएंगे भैया। अभी पहले हम लोग पहुंच जाए, फिर उसके बाद गाड़ी से ही जाएंगे, इससे अच्छे से आ जाएगा। अभी पहले हम लोग जाते हैं हार फूल लेकर आते हैं और फिर जाएंगे, ठीक है। तो बस अभी टाइम हो गया है, 2 बज गए हैं रात के और हम लोग आ गए थे 1 बजे शायद आ गए थे, क्योंकि हमें 1-1.5 घंटा तो हो गया है आराम से। तो बस चेंज वेंज किया, बच्चों को कराया और जो भी कपड़े वगैरह थे सब कुछ, जो चीज़ जहाँ की थी वो चीज़ रखी, क्योंकि जब जाते हैं तो थोड़ा वो सामान तो बिखर जाता है, लेकिन फिर भी मैंने इस बार ना कोशिश की, क्योंकि मैं हर बार कहीं जाती हूँ ना तो बहुत सारी चीज़ें फैल जाती हैं और फिर मैं लौट कर आती हूँ, फिर वो चीज़ें समेटने में ना बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन इस बार जो है ना मैं चीज़ें तार-तार रखती गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। देखो कितना भी हम संभल के काम कर लें थोड़ा बहुत तो बिगड़ते ही है। तो बस वही सब किया, थोड़े से बर्तन थे वो साफ किए, क्योंकि खाना खाया था ना तो वो बर्तन मैंने धोए नहीं थे। और इनाया सो गई है, इनाया वहाँ से खाना खा कर नहीं आई, मैंने सोची यहाँ कुछ खा लेगी, लेकिन वो आते ही जो है ना सो गई, क्योंकि बच्चे ना जैसे बर्थडे पार्टी में जाते हैं ना कहीं पर जाते हैं और जहाँ उनको बच्चे मिल जाते हैं वो बस खेल में रहते हैं, तो इनाया सिर्फ खेल ही खेल में रही वहाँ पर। और उससे मैंने बोला भी, कोशिश भी की खाना खा ले, लेकिन नहीं खाया उसने। कल बच्चों को स्कूल भी जाना है, तो भैया सो रहे, जल्दी उठने की कोशिश करेंगे और बच्चों को उठाओ। तो बस मेकअप कर लिया है रिमूव और जो बादाम का तेल है वो लगा लिया है, तो बस अभी चलते हैं और सोते हैं। बाजी भी अभी आवाज़ तो आ रही है बात बात करने की, तो वो भी सोने के लिए चली गई है। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं सुबह।